सुप्रीम कोर्ट ने सैयद जाफर और जया ठाकुर की दायर पिटीशन पर सुनवाई की, जिसके बाद अगली सुनवाई की तारीख 13 दिसंबर को तय की गई है। वहीं महाराष्ट्र सरकार के ओबीसी आरक्षण बढ़ाए जाने के खिलाफ दायर याचिका के साथ ही मध्य प्रदेश की पंचायत चुनाव में रोटेशन का पालन न करने वाली याचिका की सुनवाई एक साथ होगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका की पैरवी अधिवक्ता वरुण ठाकुर ने की। सैयद जाफर और जया ठाकुर के द्वारा दायर की गई सुप्रीम कोर्ट की याचिका में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 13 दिसंबर दिन सोमवार तय की है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट में ओबीसी आरक्षण को लेकर दायर याचिका के साथ ही मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव में दायर याचिका की सुनवाई एक साथ होगी। हम सुप्रीम कोर्ट से मांग करते हैं कि चुनाव यथावत रखे, लेकिन परिसीमन और आरक्षण 2019 का हो। हमने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि हमें चुनाव की तारीखों से कोई आपत्ति नहीं है, चुनाव इन्हीं तारीख में हो जाएं, लेकिन 2014 के परिसीमन और 2014 के आरक्षण पे ना होके भारतीय संविधान और मध्य प्रदेश के ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा और नियम के तहत जो रोटेशन की व्यवस्था की गई है, वो रोटेशन का अधिकार मध्य प्रदेश के ग्रामीण जनप्रतिनिधि को मिलना चाहिए।